नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। खबर है बद्दापुर जौनपुर से। मिशन शक्ति के तहत विकासखंड बद्दापुर सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा बद्दापुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा रहे। मिशन शक्ति कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जी का माल्य अर्पण करते हुए प्रारंभ किया गया। महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा देशव्यापी कार्यक्रम मिशन शक्ति का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम में अतिथियों का सम्मान करते हुए स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात मिशन शक्ति के नारी सम्मान में डॉक्टर यामिनी सिंह ने गीत प्रस्तुत किया तथा डॉक्टर विभा शुक्ला ने अपनी स्वरचित कविता के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा समूह की महिलाओं ने भी नारी शक्ति के लिए अपनी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत की। बदलापुर कोतवाली पुलिस महिला कांस्टेबल ने महिलाओं के अंदर की छिपी हुई आत्मशक्ति और उनके पराक्रम के बारे में बताकर जागरूक किया। बताया कि आज के समय में महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं। मुख्य अतिथि जी ने महिला को एक मिशन शक्ति के रूप में बताते हुए कहा कि महिलाओं के अंदर एक बहुत बड़ी आत्मशक्ति होती है, जिसके दम पर आज महिलाएं पुलिस फोर्स में, खेल कूद में, सेना में, शिक्षा की क्षेत्र में तथा अनेकों प्रकार के कार्य क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हैं। भाजपा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिलाओं के स्वावलंबन के लिए विभिन्न प्रकार की विकासशील योजना चला रहे हैं। मिशन शक्ति के अंतर्गत समस्त समूह की महिलाओं को धन्यवाद देता हूं, जो अपने घर परिवार को देखते हुए अनेकों प्रकार की कार्य कर रही हैं, जिसका परिणाम है कि आज महिलाएँ हर विभाग में अग्रणी भूमिका अदा कर रही हैं। ब्लॉक सभागार में लगे प्राथमिक विद्यालय तथा बाल विकास परियोजना द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण भी किया और मिशन शक्ति कार्यक्रम में उपस्थित समस्त महिलाओं को धन्यवाद दिया। इस मौके पर वहां खंड विकास अधिकारी गौरवेंद्र सिंह, एडीओ पंचायत राम अवध, विधायक प्रतिनिधि गंगा प्रसाद सिंह, डॉक्टर सुधीर सिंह, डॉक्टर विभा शुक्ला, डॉक्टर यामिनी सिंह, डॉक्टर ज्योति मिश्रा, कार्यालय प्रभारी सुरेश चौहान तथा आदि सम्मानित जनता उपस्थित रही। बहुत सारी आज का जो रिजल्ट आता है, महिलाओं का स्थान नंबर एक पर आता है। अभी बच्चे रुचि तिवारी एक कांस्टेबल के पद पर है। अब आप सोचो, नौकरी वो भी पुलिस, महिला शिक्षिका तो बन सकती है, महिला प्रधान बन सकती है, महिला बाबू बन सकती है, लेकिन कभी किसी ने सोचा था कि महिला बंदूक भी उठाएगी? लेकिन आज रुचि आएगा, आज रुचि तिवारी जैसी पता नहीं कितनी पहले सीमा पर लड़ाई बिगड़ रही है, सीमा पर लड़ाई बिगड़ रही है, भारत पाकिस्तान का ही परिवर्तन
देश की सेवा भी कर रही। ये खास रिपोर्ट थी कैमरामैन कृष्णा के साथ संवाददाता धर्मेश शर्मा की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।